में बाहुबली दिखाएंगे अपना दम। 2005 के बाद 25 के चुनाव में देखने को मिलेगा दिलचस्प नजारा। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2025 विधानसभा चुनाव में 2005 की तरह फिर से एक बार बाहुबली अपना रुतबा दिखाने को तैयार है। जी हाँ, 2005 के बाद बिहार की सियासत से लगभग किनारे कर दिए गए बाहुबली एक बार फिर से दमखम दिखाने के लिए तैयार है। मंच और माहौल दोनों सजने लगे हैं। बिहार की सभी पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बाहुबलियों पर दांव लगाने की भी शुरुआत कर दी है। कोर्ट की रिहाई के बाद कुछ सीधे चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं तो कुछ नियम कानून के दायरे में हैं, तो वे अपने परिवार के सहारे अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करेंगे। जदयू, राजद, बीजेपी, एलजेपी, हर किसी के तर्कश में अपने अपने बाहुबली हैं। तो आइए जानते हैं कि 2025 विधानसभा में कौन कौन से बाहुबली एक दूसरे के आमने सामने हैं और कौन कौन अपनी पुरानी ताकत को फिर से आजमाने को तैयार हैं। सबसे पहले नाम की चर्चा करें तो आनंद मोहन की चर्चा करेंगे। ये राजपूतों को जदयू से जोड़ेंगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और आनंद मोहन की मित्रता जो है अब सियासत में किसी से छुपी नहीं। आनंद मोहन चुनावी चौसर के कितने बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, जेल से निकलते ही उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने न केवल बीजेपी की विनिंग सीट सिवहर को गठबंधन के तहत जदयू के हिस्से में लाने में कामयाब रहे, बल्कि लगातार चुनाव हार रही अपनी पत्नी लवली आनंद को भी जीत दिलवाई। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जदयू में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल उनके बड़े बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं, ऐसे में उनका एक बार फिर से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बेटे को चुनाव जिताने के साथ साथ पार्टी से नाराज राजपूत समाज को भी जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। कोशी को आनंद मोहन का गढ़ माना जाता है, इस स्थिति में यह बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे बाहुबली जिनके बारे में बातचीत करेंगे, जिनके अखाड़े में होने की चर्चा है, वह है अनंत सिंह। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले अनंत सिंह पर चल रहे तमाम मुकदमे समाप्त हो गए। जिस AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रखने के आरोप में उन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, उस केस में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इस चुनाव में अनंत सिंह नीतीश कुमार के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे। नीतीश कुमार पर अनंत सिंह को जानबूझकर फंसाने का आरोप भी लग रहा था, लेकिन अब अनंत सिंह आजाद हैं तो वे न केवल मोकामा की सीट बल्कि मगध के साथ साथ अन्य इलाकों के भूमिहारों की नाराजगी दूर करने की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा सकते हैं। तीसरा नाम है सुनील पांडे का। शाहबाद में बाहुबली सुनील पांडे एक बड़ा नाम है। कभी बालू के कारोबार से लेकर क्राइम की दुनिया में सुनील पांडे की तूती बोला करती थी, लेकिन 2000 के बाद इन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। नीतीश के साथ समता पार्टी से 2000 में विधायक बने। इसके बाद 2005 में हुए लगातार दो चुनाव में जीत दर्ज की। 2010 के बाद से सदन से दूर है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी को तरारी से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया, लेकिन वह हार गई। अब हरा और नीला झंडे से बाहर निकलकर सुनील पांडे भगवाधारी हो गए हैं। जी हाँ, अपने साथ उन्होंने अपने बेटे को भी भाजपा की सदस्यता दिलाई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में बेटे को टिकट मिल सकता है और 2025 से पहले यही इनका लिटमस टेस्ट भी होगा। इसके बाद बाहुबली पप्पू यादव का नाम है, इनकी बात करेंगे, जो कि 10 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा पहुंच गए हैं। इन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव इन्होंने निर्दलीय लड़ा। अब पप्पू यादव विधानसभा चुनाव में सीमांचल में अपनी ताकत पार्टियों को दिखाना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के बाहर रखकर पप्पू यादव कांग्रेस को ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे। बता दें, फिलहाल पप्पू यादव का पूरा फोकस सीमांचल पर है। इस स्थिति में पप्पू यादव विधानसभा चुनाव में सीमांचल का बड़ा चेहरा बन सकते हैं।
सूत्रों की माने तो वे अपने बेटे को भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने उनके बेटे को सुपौल सीट का ऑफर भी किया था। वहीं पांचवें नाम की बात करें तो वह है हिना शहाब का। बाहुबली शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान का पूरा राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसी पार्टी को हो रहा है तो वह है राजद को। हिना शहाब राजद से दो चुनाव हारने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ी, इसमें वो कामयाब नहीं हो पाई और अब लालू यादव एक बार फिर से शहाबुद्दीन की विरासत को अपने खेमे में करने में जुट गए हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो हिना साहब और लालू तेजस्वी के बीच एक राउंड की मीटिंग भी हुई है। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे ओसामा शहाब भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगला नाम है रमा सिंह का। बात 2020 की विधानसभा चुनाव की है। तेजस्वी यादव बाहुबली रामा सिंह को राजद में शामिल कराना चाहते थे। इस बात पर पार्टी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह खफा हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कारण था कि राजनीति में अपनी ईमानदारी और नरेगा जैसी योजना लाने वाले रघुवंश बाबू को बाहुबली रामा सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। रामा सिंह की पत्नी 2020 का विधानसभा हाजीपुर के महनार से राजद के टिकट पर लड़ी और जीती भी। इससे पहले रामा सिंह भी कई बार इस सीट से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 2024 के चुनाव में रामा सिंह अपने लिए किसी पार्टी से टिकट का जुगाड़ नहीं कर पाए। अब 2025 में एक बार फिर से वैशाली क्षेत्र में वे अपना सियासी रुतबा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आधिकारिक तौर पर वे चिराग के लोजपा रामविलास के साथ हैं। वहीं अशोक महतो भी बाहुबलियों के इस लाइन में खड़े हैं। 1990 के दशक में शेखपुरा, नवादा और नालंदा के इलाके में कुख्यात अशोक महतो अब आजाद हैं। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने जदयू के सबसे पावरफुल लीडर ललन सिंह को चुनौती देकर साबित कर दिया कि बाहुबलियों की सूची में वह भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अशोक महतो ने राजद से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिना मुहूर्त के शादी की। पत्नी अनिता देवी को राजद ने मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ टिकट दिया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी हुआ और अब अशोक महतो विधानसभा चुनाव में शेखपुरा, नवादा और नालंदा की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। नवादा में राजवल्लभ यादव की भरपाई लालू यादव इनकी मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अशोक महतो की मदद से नीतीश के कोर वोट बैंक लॉकस में भी सेंधमारी की जा सकती है। इन सबके अलावा भी कई बाहुबली हैं जो पिछले कुछ सालों से चुनावी ग्राउंड से दूर हैं। वे विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकते हैं। इनमें सबसे ऊपर बाहुबली सूरजभान सिंह का नाम शामिल है। लोजपा में बंटवारे के बाद लगभग वे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर है। अब इस बात की चर्चा तेज है कि वे भी अपने बेटे के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इनके अलावा बाहुबली राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं। इस बार वे भी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम बाहुबलियों की जिनकी हमने चर्चा की, क्या वो वाकई में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और अगर वाकई में ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि 2025 का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। तो आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम ऐसे ही स्पेशल स्टोरी के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।